हाय बोल दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज ना मेरा जो व्लॉग है मैं वो सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह से स्टार्ट कर दूँ व्लॉग। और मैं ना सुबह जो मेरा काम है वो सब कुछ कर चुकी हूँ, और सिर्फ बाकी है मेरा जो ये बिस्तर सेट करना। तो इसको मैं ना, मतलब ये ब्लैंकेट वगैरह ना, मैं अभी इसको धूप में दे दूंगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप उठा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का धूप। 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा ही धूप निकल रहा है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ धूप में दे रही हूँ। तो ये है आज का धूप, लेकिन हवा भी बहुत ज़्यादा है, मतलब धूप है लेकिन हवा भी बहुत सुंदर चल रहा है। तो मैं ना एक एक करके इन सभी को दे दूंगी धूप में, और फिर मामा को भी मैं खिला दूंगी। और मामा को मैंने थोड़ी देर पहले उठा दिया है, और यहाँ पे है मामा जो कि उठ गई है। गुड मॉर्निंग बोले तो वो अभी अभी उठी है, और मैं ना अभी उसको ब्रश करवाऊंगी। तो इसको ब्रश करवाने के बाद इसको ब्रेकफास्ट भी कर दूंगी। चलो ब्रश करना है ना, ब्रश चलो नीचे आओ। मैंने मामा को ब्रश करवा दिया है और उसको रेडी भी करवा दिया है, और अभी ना मैं जाऊंगी मामा के लिए थोड़ा सा पानी लाने, क्योंकि सुबह उसको मैं पानी खिलाती हूँ। हैं पानी लेके आ रही हूँ बेटा, तो सुबह ना उसको मैं थोड़ा सा पानी पिला देती हूँ, तो उसको थोड़ा सा पानी पिला दूंगी। और फिर ना उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट भी करा दूंगी, तो पहले वो पानी पी लेगी। तो मैंने ना यहाँ पे मामा के लिए ले लिया है दूध और बिस्किट, और अभी इसको ना मैं खिला दूंगी। पता ही नहीं वो कितने टाइम में खाएगी, लेकिन वो ना खाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाती है, तो पहले उसको खिला दूंगी। चलो बेटा आओ। क्या ना खाने में ना, मतलब खाना देखने से ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो खाना देखने से ना ना बोलेगी, मतलब नहीं खाना है। मैं ना मामा को खाना खिलाने के बाद ना फिर से वीडियो करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो खाने में ना उसको इतना ही प्रॉब्लम होता है, तो मैं जल्दी से उसको खाना खिला के उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मामा को ना बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना खिलाया है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना अभी मैं क्या करूँगी उसके लिए ना, एक अंडा बॉईल कर दूँगी। तो ये अंडा, और ना मैं इसको भी बॉईल कर लूँगी। तो मैंने मामा के लिए मतलब अंडा बॉईल करने के लिए बैठा दिया है, और ना मैं अभी थोड़ा बहुत मैं भी कुछ खा लूँगी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी है। और वो है मामा, और बाहर में ना बहुत ज़्यादा धूप निकली है। तो मैं ना अभी मामा को दिखाती हूँ वो कहाँ पे बैठी है। मामा, ये है मामा, मतलब सीधा गेट के सामने ऐसे ही बैठी है। चलो अंदर, चलो चलो अंदर। यहाँ पे हो रहा है अंडा बॉईल, जो कि ऑलमोस्ट होने वाली है। मामा
यहाँ पे हो गया है मम्मा का अंडा बॉयल, तो मैं इसको अभी दे दूंगी। चलो तो ना यहाँ पे मैंने मम्मा को दे दिया अंडा बॉयल। और मम्मा को ना मतलब अंडा इतना पसंद है कि वो अकेली खा रही है, तब मुझे भी मतलब नहीं चाहिए खिलाने के लिए, तो इतना पसंद है। वैसे भी ना वो अंडा होने से ना किसी को नहीं देती है सिवाय उसके पापा के, पापा होने से ना सब दे देती है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं देती है, अकेली अकेली खा रही है। देखो मामा, मामा हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो। टेस्टी टेस्टी अंडा टेस्टी है, हाँ तो टेस्टी बोल दो। तो ना जब तक वो खा रही है तब तक मैं भी ना कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है। जब तक किचन में बन रहा है खाना तब तक ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ मेरी घर का, तो वो है ये हमारा नया मंदिर, जो कि अभी ना अच्छे से रेडी नहीं हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ना वो मतलब भगवान जी को सब यहाँ में रख चुके हैं ऐसे ही। तो ये वाला नया मंदिर है ना, ये 2 दिन हुआ है मतलब मेरे घर में आए हुए, मेरे हस्बैंड इसको लाए हैं। तो ऐसे ही ना मतलब भगवान जी जो है ऐसे ही मेरे हस्बैंड ऐसे ही उठा के रख दिया है, तो मैं ना इसको अच्छे से सेटअप करने के बाद आप लोगों को दिखा दूंगी। तो मेरा व्लॉग जो पहले से कोई देख रहा है ना, तो उनको पता होगा मेरा भगवान पहले ना यहाँ नीचे में थे, तो मामा क्या करती थी भगवान जी को लेके ना वो गोदी में इधर से उधर उधर से उधर पूरा मतलब घर घूमती थी। तो ना अभी इसलिए हम उसको लाए हैं, तो अभी शांति है। और मैं ना थोड़ी देर पहले ही आ गई थी किचन में, जो आप लोगों को लेके नहीं आई थी, तो मेरा ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन, और मैंने ना यहाँ में मछली को कर लिया फ्राई, ये है मछली, तो इसको कर लिया फ्राई। और इसके लिए ना मतलब जो भी सामान चाहिए होगा, लहसुन प्याज वगैरह वो सब कुछ मैं काट के रेडी कर लूँगी, और मैं जल्दी से बना लूँगी खाना। जब तक हमें खाना बनेगा तब तक मैं ना दूसरा कोई काम कर लूँगी। तो मैं और मेरा किचन का हालत मेरा किचन का हालत ना ऐसा ही होता है, खाना बनाने के पहले ना ऐसा ही मिस ही होता है, पर फिर ना बाद में मैं खाना बनाने के बाद एक साथ में इसको ठीक कर लूँगी। तो अभी इसका हालत कुछ ऐसा है, प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। तो मैं ना खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर दूसरी साइड में दूसरा भी काम कर लूँगी। मैंने ना अभी कढ़ाई में आलू फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है, और अभी ना मुझे चाहिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जो कि मेरे यहाँ में है। तो ये है मेरा कड़ी पत्ता का पेड़, थोड़ा सा कुछ ले लूँ। तो मैं ना लेके आ गई हूँ कारी पत्ता, और इसको ना अभी अच्छे से धो लूँगी। मेरा लंच बन चुका है, और अभी ना मैं जाऊँगी मामा को नहलाने के लिए, तो उसको ना नहला दूंगी, और फिर ना बाकी जो काम है मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि लाइट भी चला गया है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि और बहुत ज़्यादा धूप भी उठी है। हे गाइस, तो अभी बज गए हैं शाम के 6, और मैंने ना इवनिंग का जो काम है सब कुछ कर लिया है, और फिर ना अभी मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ। और दोपहर को क्या हुआ था, दोपहर को ना मैंने मतलब लंच वाला लंच के टाइम ना थोड़ा बहुत वीडियो किया था, लेकिन किसी तरह ना मामा ने वो डिलीट कर दिया है, तो ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा।
तो क्या करूँ, मतलब उसके हाथ में ना फोन देने से वो ऐसा ही करती है, ये डिलीट कर देती है, वो डिलीट कर देती है। तो कोई नहीं, तो अभी बज गए शाम के 6 और मुझे ना थोड़ा बहुत चाय पीना है। तो और ये है मम्मा, मैं किचन में आई हूँ तो इसको भी किचन में आना है। मतलब ना इसको मतलब जो भी नया कपड़ा है वो देखने से उसको चाहिए ही चाहिए। तो अभी ना ये पहनी है। मम्मा दिखा दो तुम्हारा ड्रेस, ड्रेस दिखा दो गाइस को, ड्रेस दिखा दो। तो मैं बना लेती हूँ चाय। बाय बोल दो, बाय गाइस को बाय बोल दो। हाँ मत करो ऐसा। ठीक है होगा। तो मैंने ना यहाँ पे चाय मतलब बैठा चुकी हूँ, तो जब तक चाय होता रहे तब तक मैं थोड़ा मामू के साथ खेली थी मैं चाय। तो बन चुकी है मेरी चाय और अभी हम लोग जाएंगे अंदर और फिर और मैंने ना अभी तक बेडशीट नहीं लगाया है, तो थोड़ी देर बाद लगाऊंगी बेडशीट। हाँ तो चुना, तो थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर, हाँ तो थोड़ी देर बाद ना मैं बेडशीट लगा दूंगी और फिर ना मुझे बहुत सारा काम भी करना है, रात का डिनर भी बनाना है, तो इसलिए मैं पहले पी लेती हूँ चाय, फिर बाकी जो काम है सब कुछ करूंगी। मैंने अपनी चाय कर ली है ख़त्म और ना तो मम्म ना फिर से चेंज कर लिया है और वो अभी रास्ते में जाने की जिद कर रही है, तो उसको लेके मैं जाऊंगी थोड़ा सा रास्ता में। और मैं ना एक बात बोल देती हूँ, मेरा एक व्यूअर्स है जो मुझे कमेंट किया है कि मैं अपने हस्बैंड और बेटी के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, वो वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं बोल देती हूँ, मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा कैमरा शाई है, तो वो अभी ना ऐसे कैमरा के सामने आने से थोड़ा सा शर्माता है। तो ना मैं उनको ना धीरे धीरे बोल के मतलब मना के कभी ना कभी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो इसके लिए ना आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ना वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो धीरे धीरे करके मैं उनको समझा के कोई एक वीडियो में ज़रूर लाऊंगी, और एक वीडियो में आने से ना वो शायद नेक्स्ट वीडियो में आने से मतलब नहीं शर्माएंगे। तो मैं ना आप लोग के लिए भी ट्राई करूंगी, देखती हूँ होता है कि नहीं। तो ना मैं अभी जाऊंगी मम्म को लेके रास्ता में, और मैं ना इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी शायद, क्योंकि मुझे अभी ना मतलब खाना भी बनाना है और बिस्तर मतलब बेडशीट भी लगाना है, तो बहुत सारा काम है। और मैं ना अभी मम्म को लेके जाऊंगी सीधा रास्ता में, रास्ता से आने के बाद शायद मैं किचन में चली जाऊंगी। तो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, इस वीडियो को यहीं पे करूँगी ख़त्म। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करने से, वो भी प्लीज़ बोल रही है, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करने से ना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।